नमस्कार दोस्तों, आपका आरके महाविद्यालय में बहुत स्वागत है। हम बीएससी सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने लास्ट में फाइव डी में डेरिवेशन की थी। इसका सम था समीकरण का समान है, ठीक है। उसकी दो कंडीशन बनी थी, तो ए अपॉन में ए, ए अपॉन में ए नॉट इक्वल टू बी अपॉन में बी। फर्स्ट कंडीशन ये बनी थी। सेकेंड जो कंडीशन वो थी क्या, ए अपॉन में ए, ये बी इक्वल होगा इसके बी अपॉन में बी। ये दो कंडीशन हमने क्या करी थी लास्ट टाइम पे पढ़ी थी ना, उसमें भी जिसमें इसका जो रिजल्ट आया था वो देखा था, उसका जो रिजल्ट आया था वो देखा। रिजल्ट जाने का डेरिवेशन आती नहीं कभी। अब इसके क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज पॉइंट डी के। देखो क्वेश्चन, देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, देखो ये राजस्थान में आया था 2004 और 2007 में, ठीक है। जो राजस्थान में आए क्वेश्चन थे उनकी वो सॉल्व करते हैं, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। और जो मतलब स्टार्टिंग एक्सरसाइज के पांच क्वेश्चन है वो सॉल्व कर दो, काफी है आराम से, मतलब 99% उसमें से आ ही जाता है, ठीक है ना। तो ये देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस वन डी एक्स, ये दिया हुआ है। देखो इसमें एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू डी एक्स, ठीक है। क्या कह रही है, मैंने बताया था समान एम के लिए पहले डी वाई डी एक्स निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आएंगे एक्स प्लस वाई प्लस वन अपॉन में एक्स माइनस वाई। क्या आएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू भी क्या है, डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस वन अपॉन में एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे देखो इसकी इसकी जो पावर है वन है, यहाँ पे वाई की पावर भी कितनी है वन है, यहाँ नीचे भी वन है, यहाँ पे भी प्लस वन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको भी हम यहाँ नहीं कह सकते कि समुद्र अवकल समीकरण। फिर इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और समुदाय सब अवकल समीकरण बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या बताया था, माना था माना इधर लिख जाना थोड़ा सा बोर्ड पर लिख लीजिए, माना x इक्वल टू एक्स प्लस एच और y इक्वल टू y प्लस k, ये माना था। ये वैल्यू से पुट कर देंगे क्या बन जाएगा, देखो डी वाई इक्वल डी एच, रिजल्ट पता ही जाएगा, रिजल्ट से क्या पता चला डी वाई इक्वल डी एच पता चला। तो यहाँ पर बनेगा डी वाई इक्वल डी एच इक्वल टू एक्स के लिए क्या जाएगा एक्स प्लस एच, वाई के लिए क्या जाएगा वाई प्लस के प्लस वन अपॉन में एक्स के लिए क्या जाएगा एक्स प्लस एच और माइनस वाई के लिए क्या जाएगा क्या वाई प्लस के। ये बड़ा कैपिटल वाई है ना, देखो डी वाई बाई डी एक्स कैपिटल वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू दस वाला लिख दिया जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस एच प्लस के प्लस वन अपॉन में नीचे आ जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस एच माइनस के। यह यहां पर आएगा इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एच प्लस के प्लस वन अपॉन में आएगा एक्स माइनस वाई एच प्लस के। अब क्या करेंगे एच और के की वैल्यू फाइंड करेंगे और एच और के की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म को जीरो मानना पड़ेगा। हमें मानना था एच प्लस के प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड और एच माइनस के इक्वल टू जीरो। समझा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म को जीरो करना पड़ेगा, इस फॉर्म को जीरो करना पड़ेगा। ये जो दोनों वैल्यू क्यों आई है, वो दोनों
प्लस वाई प्लस एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू है माइनस वन बाई टू, एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू माइनस वन बाई टू, के की वैल्यू क्या है हमें माइनस वन बाई टू और प्लस वन अपॉन में एक्स माइनस वन, देखो एक्स माइनस वाई प्लस एच की वैल्यू माइनस वन बाई टू, यहाँ पे पहले से माइनस है के की वैल्यू माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू, ये माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस वन प्लस वन कैंसिल, माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू कैंसिल, तो यहाँ पे कैंसिल, देखो क्या आ गया मेरे पास है डी वाई अपॉन में डी ए इक्वल टू क्या आ गया एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई, ये क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया ये है ए समद्विभाज समीकरण, क्या ये समद्विभाज समीकरण, डिवाइडेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई, क्या ये समद्विभाज समीकरण, क्या कौन सा समीकरण है समद्विभाज, देखो यहां पे एक्स पावर में वाई पावर, यहां पे एक्स पावर में यहां पे वाई पावर, सबकी पावर में क्या है मतलब जो है 1 है, तो ये क्या हो गया ए का प्लस समद्विभाज समीकरण कौन सा समीकरण, ठीक है देखो आगे आगे क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वही मैंने क्या कहा था समद्विभाज समीकरण सॉल्व करने के लिए एक्स कॉमन लेंगे, इसी पावर 1 में एक्स कॉमन ले लेंगे, अंदर जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन में एक्स, नीचे जाएंगे ऊपर ले लेंगे तो 1 माइनस वाई अपॉन में बड़ा आगे बढ़ा गया, ठीक है यहाँ एक्स एक्स कैंसिल तो क्या आ गया 1 प्लस वाई अपॉन में एक्स अपॉन में 1 माइनस वाई अपॉन में एक्स, आ गया आगे ले लेंगे आगे क्या करेंगे वही चीज वापस वही वी ब्लेंड करने के माना वी इक्वल टू वाई अपॉन में एक्स, तो क्या रहेगा वाई अपॉन में एक्स ना कैपिटल वाई अपॉन में कैपिटल, तो मेरे पास y को आ जाएगा v x और dy को भी dx को आ जाएगा मेरे पास में v plus x d के ऊपर में d, ये वैल्यू कर देंगे इक्वेशन पर इक्वेशन सेकंड में इस इक्वेशन नंबर सेकंड डाल देते हैं, ठीक है ये मेरे पास क्या बन गई समद्विभाज समीकरण की इक्वेशन बन गई, y को मैं ऐसा आया तो y को मैं इसको v मान लिया, v मान के dy dy को मैं dx निकाल लिया, ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा v plus x dv upon dx equal to क्या आएगा 1 plus v upon 1 minus v, आया ये dy upon dx equal to ये, ठीक है ये वैल्यू यहां पुट कर दी, ठीक है equal to में 1 plus y upon x equal to v नीचे 1 minus v, ठीक है इसको सॉल्व करेंगे देखो x dv upon dx ये उधर जाएगा 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v और माइनस v दे आगे सॉल्व करते हैं उसको क्या आएगा देखो यहां दिया है x dv अपॉन में dx इक्वल टू क्या जाएगा 1 प्लस v माइनस v और प्लस v स्क्वायर और अपॉन क्या जाएगा 1 माइनस v, यहाँ v से v का क्या कैंसिल हो गया, ठीक है ना ये v उधर क्या माइनस हो गया माइनस v माइनस माइनस प्लस v स्क्वायर और 1 प्लस v माइनस v और प्लस v स्क्वायर ये आ गया, आगे क्या जाएगा जो x dv अपॉन में dx इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस v, आगे आ गया समझ में, आगे देखो अब आगे की सॉल्व करते हैं इसको, ये यहाँ तक तो समझ में आ गया तो इस पार्ट को मैं बता रहा हूँ ठीक है ना, जैसे कि आगे यहाँ पर हो सके ये मैंने सब बता दिया था, एक्स को एक्स प्लस एच माना था वाई को वाई प्लस ए माना था, ये डिवाइड बाई डी एक्स आ गया, ठीक है इसको ध्यान रखना एक नंबर को जो माना आपको और एक एच की वैल्यू क्या दी थी एच की वैल्यू क्या दी थी के इक्वल टू माइनस वन बाई टू आती आगे कहूँगा एच की वैल्यू क्या दी माइनस वन बाई टू और के की वैल्यू क्या आई थी माइनस वन बाई टू बाकी है ना ये आगे हमारे पास में अब कोई
ये बन गया कौन सा, वो प्रथम कोटि, प्रथम कोटि प्रथम घात का समीकरण। v वाला देख सकते हो 1 minus v upon 1 plus v square dv equal to x चल जाएगा dx upon x। समाधान कर लेंगे, समाधान कर लेंगे समाधान करने पर, समाधान करने पर देखो इधर इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 1 प्लस b स्क्वायर माइनस इसका लेगा b के बोर्ड में 1 प्लस b स्क्वायर और ये हो जाएगा dv इक्वल टू पहले dx अपॉन में x। ठीक है, इसको यहां पे माइनस, इसको ऊपर नीचे हम टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों पता है 1 प्लस b स्क्वायर को 3 मान लेंगे तो 2 के बोर्ड dv आएगा। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1 अपॉन में 1 प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका tan इनवर्स v माइनस इसका देखो इसका क्या हो जाएगा, लो लो v हो जाएगा, क्या हो जाएगा लो v। ठीक है ना, लो v हो जाएगा, ठीक है ना, v हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल में इसका इंटीग्रेशन प्लस c, यहां पर क्या हो c log x और प्लस का हो लो c, यहां पर 1 1 प्लस v स्क्वायर इज लो tan इनवर्स v माइनस यहाँ पे देखो इसका 1 प्लस बीस का तो टी मानेंगे, टी मानेंगे तो 2 भी अपन डी टी आएगा, डी टी डी टी आएगा यहाँ पे अपन में टी आएगा उसको अगर लो टी और पावर में वन ये वन बाई टू के आगे चलता है। ठीक है, इधर 1 अपन एक्स का हो गया लोग एक्स को ये हो गया लोग सी आगे आते हैं फिर आगे देखो ये हो गया टेन इनवर्स वी और ये उधर जाएगा, उधर जाएगा क्या हो गया लोग सी एक्स बड़ा एक्स ना जी एक्स और ये वन बाई रूट ऑफ उधर जाएगी रूट में जाएगा रूट में और टी की वैल्यू रख देंगे क्या बनता है टी को वन प्लस बी स्क्वायर ये माइनस वन बाई टू पावर भी जाएगी माइनस वन प्लस भी जाएगी उधर जाएगी प्लस भी जाएगी वन बाई टू पावर भी जाएगी रूट में टी आ जाएगा टी की समानता वन प्लस बी स्क्वायर की समानता वन प्लस बी स्क्वायर ये आ गया और ये तीनों मल्टीप्लाई में ये एक्स से जाते हैं ना c x और ये रूट में 1 प्लस बी स्क्वायर आइए यहाँ से लोगों का तो क्या बन जाएगा हमारा c x रूट में 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू e की पावर में tan इनवर्स v ये लोग अलग ही आपने ये लिख दिया c x आगे देखो रूट 1 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इधर e tan इनवर्स इसकी वैल्यू क्या है y अपॉन में x आ गया आंसर में ये आ गया आपने y और x की वैल्यू पुट करना है जो हमने मानी थी वो वैल्यू पुट कर दी। देखो आगे देखो ये क्या थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो जगह कम है बोलो है ना यहां देखो c x 1 plus b की वैल्यू y अपॉन x कैपिटल y अपॉन x स्क्वायर e tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, इसके आगे के लिए लिखता हूं देखो सी एक्स को क्या माना था एक्स की वैल्यू यहां से आएगी एक्स की वैल्यू कैपिटल एक्स है तो यहां पे आ जाएगी एक्स माइनस एच रूट में मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद करेंगे है ना सी एक्स फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स और इक्वल टू में e की पावर tan इनवर्स y अपॉन में कैपिटल x यहां देखो ये x x कैंसिल तो बन गया c रूट में अब वैल्यू रख देंगे देखो x की वैल्यू यहां से क्या पुट क्या आएगी x माइनस h और h की वैल्यू वो है माइनस 1 बाय 2 क्या हो जाएगा x प्लस 1 बाय 2 यहां पे x की वैल्यू कैपिटल x की वैल्यू क्या आएगी x माइनस h h की वैल्यू क्या है माइनस 1 बाय 2 मुझे निकाल लेंगे यहां पर x प्लस 1 बाय 2 प्लस का स्क्वायर y को भी देंगे y माइनस 2 प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर e की पावर इधर tan इनवर्स y को भी देंगे e की पावर में x प्लस 1 बाय 2 y को भी y प्लस 1 बाय 2
और x की वैल्यू x का 1 by 2 ये है कि देखो सारी वैल्यू को इसको सॉल्व कर लो रिजल्ट निकाल लो आंसर क्या आ रहा है आंसर में लोग सी को नहीं दिया सी को कांस्टेंट को वैसे रहने दिया ठीक है ना आंसर ये भी सही है ना कुछ भी यहां तक आ गया वैल्यू फैक्टर को सॉल्व करो सी रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स टू एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई टू बन जाए एक्स फिर वाई और फिर 1 बाय 2 इसके 1 बाय 4 1 बाय 4 1 बाय 4 1 बाय 2 इसके 1 बाय 4 1 बाय 4 ये हो गया 1 बाय इक्वल टू मैंने ये पावर 10 इनवर्स 2y प्लस 1 और फिर 2x प्लस ये रिजल्ट आ गया ये भी रिजल्ट सही है और रिजल्ट सही है दोनों से कौन सा रिजल्ट है कौन सा में डिपेंड करता है कौन सा में क्या मान उसे कौन सा में बहुत सी नहीं माना तो ये मैंने लोग सी मान लिया तो ये सही है ना आगे अब ये तो हो गया फर्स्ट मेथड अब देखते हैं सेकंड मेथड बेटा दोस्तों आया था मैं एक बार दोबारा रिपीट करके देखोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है कोई जैसा क्वेश्चन है बस मेथड को ध्यान रखना देखो अगला क्वेश्चन देखो अगला जो मेथड जो कुछ मैंने सेकंड कंडीशन बताई थी उस पर जो डिपेंडेंट क्वेश्चन है वो ये है कि राजस्थान में कौन सा है राजस्थान 2011 में 2018 ठीक है क्या है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस वन तो कौन है टू एक्स प्लस टू वाई प्लस देखो क्या दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस देखो यहाँ पे डी वाई यहाँ पे चेक कर लीजिए क्वेश्चन से सॉल्यूशन देखो क्या दिया हुआ है डी वाई इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस अपॉन में टू कॉमन ले लो आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस यहाँ हम चेक करेंगे कि ए अपॉन में ए इक्वल टू है बी अपॉन में बी समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए डी वाई डी एक्स समान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए ये
ये जो वैल्यू है ना इसको पुट कर दीजिए, जो क्या जाएगा डी डब्ल्यू फोर पी डी ए माइनस वन इक्वल टू आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस वन अपॉन में टू एक्स प्लस वाई प्लस थ्री। आइए डी डब्ल्यू फोर पी डी ए माइनस वन, ठीक है ना, और एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू मान लीजिए वो क्या दिया एक्स प्लस वाई क्या मतलब डब्ल्यू वन मतलब यहाँ पे डब्ल्यू टू यहाँ पे भी डब्ल्यू देखो डी डब्ल्यू फोर पी डी ए ये वन बन जाएगा डब्ल्यू प्लस वन अपॉन में टू डब्ल्यू प्लस थ्री और ये प्लस वन। आइए देखो डी डब्ल्यू फोर पी डी ए इसको एलसीएम में सॉल्व करें तो क्या आएगा डब्ल्यू प्लस वन प्लस टू डब्ल्यू प्लस थ्री अपॉन में टू डब्ल्यू प्लस थ्री या ये डी डब्ल्यू अपॉन में डी ए इक्वल टू क्या है वो थ्री डब्ल्यू प्लस फोर अपॉन टू डब्ल्यू प्लस थ्री एलसीएम में सॉल्व करेंगे ना इसको ये आगे के पास में टू डब्ल्यू प्लस वन डब्ल्यू थ्री डब्ल्यू और थ्री प्लस वन फोर अपॉन में टू डब्ल्यू प्लस थ्री आ गया यहाँ पे देखो अब वो ये बन गई क्या बन गई मतलब फोर्टी तथा मतलब बारह आगे हम समझ में देखो अब क्या करेंगे कि उसे डिवाइड नहीं किया जाएगा क्या जाएगा टू डब्ल्यू प्लस थ्री अपॉन में थ्री डब्ल्यू प्लस फोर और उधर आ जाएगा समाधान कर देंगे समाधान करने के समाधान करने क्या होगा इधर इंटीग्रेशन टू डब्ल्यू प्लस थ्री अपॉन में थ्री डब्ल्यू प्लस फोर डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस सी। इसको कैसे अलग करते हैं फैक्टर करना तुम्हारे को आता है कि इसके इसमें डिवाइड करेंगे डिवाइड करने के बाद इसे फैक्टर हो जाएंगे ठीक है ना डिवाइड करना तुम्हारे को आता है थ्री डब्ल्यू प्लस फोर में डिवाइड करेंगे थ्री डब्ल्यू प्लस थ्री थ्री क्या होगा इसमें डिवाइड करने के बाद डिवाइड करने के बाद टू डब्ल्यू प्लस थ्री इसमें डिवाइड करेंगे थ्री डब्ल्यू प्लस फोर क्या करेंगे वो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इसको कैंसिल कर देंगे थ्री बाई टू से मल्टीप्लाई करूंगा थ्री बाई टू टू बाई थ्री से मल्टीप्लाई किया इसको तो थ्री से थ्री कैंसिल टू डब्ल्यू बन गया टू डब्ल्यू आ गया आ गया तो फोर को से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा प्लस का ए अपॉन में थ्री आ जाएगा ये प्लस माइनस कैंसिल ये माइनस तो अभी आ रहा है इसका इसमें डिवाइड फैक्टर का कुछ अलग करेंगे इसका ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता मैंने इसका डिवाइड किया थ्री डब्ल्यू का टू बाई थ्री से मल्टीप्लाई थ्री से थ्री कैंसिल टू डब्ल्यू आ गया फोर को इससे क्या तो एट बाई थ्री आ गया कैंसिल इसमें सॉल्व को बता दिया वन बाई थ्री अब इसका डिवाइड वन बाई थ्री तो होगा नहीं क्या लिखेंगे देखो ये लिखेंगे इंटीग्रेशन टू बाई थ्री ये टू बाई थ्री कॉन्स्टेंट बाहर आ गया और उसके बाद में आ जाएंगे वन अपॉन में थ्री डब्ल्यू प्लस फोर फिर प्लस फोर फिर माइनस माइनस टू वन बाई थ्री बन गया माइनस टू प्लस है ना प्लस माइनस टू पॉजिटिव बचा रहे प्लस वन बाई थ्री इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन क्या आएगा वन बाई थ्री और ये आएगा यहाँ पे इसका भी डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा यहाँ पे नहीं यहाँ पे जो इसका तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया टू बाई थ्री तो कंप्लीट डिवाइड हो गया टू बाई थ्री आ जाएगा ठीक है यहाँ पे वन बाई थ्री उसके साथ में आ जाएगा वन बाई थ्री माइनस वन में थ्री डब्ल्यू प्लस फोर थ्री डब्ल्यू टू में आएगा थ्री है यहाँ टू बाई थ्री तो थ्री डिवाइड किया गया था टू बाई थ्री डी नंबर आ गया प्लस वन बाई थ्री बन गया वन बाई थ्री क्या होता है इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया था वन बाई थ्री वन अपॉन में थ्री नंबर प्लस आ गया ना समझे और इसके क्या करेंगे समाकलन कर देंगे देखो समाकलन करने में क्या होगा टू बाई थ्री डी डब्ल्यू वन का डिवाइड डब्ल्यू में डब्ल्यू प्लस
वन बाई टू, इसका हो जाएगा लोग थ्री डब्ल्यू प्लस टू होगा, लोग थ्री डब्ल्यू प्लस फोर, और थ्री डब्ल्यू का भी होगा, थ्री डब्ल्यू क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, क्या आएगा थ्री आएगा, थ्री कहाँ पे आपको लिखेंगे उसको इक्वल टू एक्स प्लस सी, देखो क्या है टू बाई थ्री डब्ल्यू टू इन टू एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा वन बाई नाइन, लोग क्या जाएगा थ्री थ्री की वैल्यू आ जाएगी थ्री एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर और एक्स प्लस सी, ये आंसर आ रहा है। इसने आगे क्या सोच रखा है, आगे इसने एक्स वाई टर्म को साथ में एक्स वाई टर्म आएगी, देखो ये बोल रहा है टू एक्स फिर टू वाई है ना, टू एक्स टू वाई, टू एक्स टू वाई नहीं एलसीएम लेंगे तो नाइन आएगा, नाइन आएगा थ्री तो सिक्स एक्स सिक्स वाई प्लस फिर आ जाएगा ये दो थ्री एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर और ये नाइन एलसीएम में आपको बदल जाएगा ये देखो सिक्स एक्स ये दोनों को बदल के ले जाओ ठीक है ना, ये दोनों उधर चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा सिक्स एक्स उधर जाएगा माइनस का क्या थ्री एक्स हो जाएगा, थ्री एक्स ये उधर जाएगा माइनस का सिक्स वन और नाइन सी वन मान लो का सी वन नाइन सी वन एक बार क्या रह गया दो, देखो समझो ये सिक्स एक्स है एलसीएम था नीचे क्या था एलसीएम था नाइन से मल्टी करेंगे अगर ये थ्री थ्री जो नाइन थ्री टू या सिक्स सिक्स एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस यहाँ पे आ गया दो थ्री एक्स थ्री वाई फोर ये नाइन फोर में आएगा उधर जाएंगे मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है नाइन एक्स प्लस नाइन सी को मैंने क्या मान लिया सी वन मान लिया ये सिक्स एक्स उधर गया नाइन एक्स में से सिक्स एक्स जब थ्री एक्स बन जाए यहाँ पे सिक्स वाई बन जाएगा माइनस का सिक्स वाई प्लस सी वन और ये इक्वल कर देंगे लो थ्री एक्स प्लस थ्री वाई प्लस आया था नहीं ये आया इसका आंसर आ गया बस कॉमन ले लो कॉमन लेते आंसर आ जाएगा आंसर क्या आ जाएगा ये आ जाएगा देखो ये इसको मैं मान लेता हूँ माइनस का सी है ना ये हो जाएगा देखो आंसर में सी कॉमन आ गया एक्स माइनस टू वाई माइनस सी कॉमन ले जाओ दो थ्री एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर और ये सी ये आंसर आ गया ये कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट को एक चीज कर सकते हो नेगेटिव पॉजिटिव देखो थ्री कॉमन आ गया आगे ठीक को मनी देखो ठीक को मना गया है माइनस टू वाई ये नाइन सी का आंसर मैंने माइनस सी में मान लिया ये सी माइनस सी में बदल गया ये आंसर को उधर आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं धरती रखो कि प्लस का सी में तो भी कोई प्रॉब्लम कांस्टेंट होना चाहिए ठीक है ये माइनस का सी में बदल गया प्लस का सी में और ये ऐसे ऐसे ही रहा आगे तो ये तुम्हारे फर्स्ट डी की एक्सरसाइज कंप्लीट होगी ठीक है ऐसे क्वेश्चन है मतलब ज्यादा बताते हो चाहिए तो हम उनको प्रैक्टिस करना है सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन है ठीक है दो मैथड वाले एक तो वो बताया था इसमें दोनों इक्वल नहीं होते ठीक है दूसरे मैथड में दोनों इक्वल होंगे ये मैथड कुछ नहीं है ठीक है उससे क्या होगा होगा ही ये देखो इधर इसमें मैंने क्या बताया था इसमें मैंने क्या बताया था इसमें जो इक्वेशन बनेगी ना इक्वेशन जो बनेगी वो क्या हो जाएगी प्रथम कोटि प्रथम घात का समीकरण बन जाएगा उसमें क्या बताया था उसमें समघात समीकरण पीछे वाली बन रहा था ना इसमें क्या होगा इसमें प्रथम कोटि प्रथम घात का समीकरण Thank you.
प्रथम कोटि के लिए क्या होगा समीकरण, क्या है प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण। इसमें क्या होगा देखो, जो स्कीम होगी जनरल फॉर्म होगी वो इस टाइप होगी, इस टाइप होगी देखो डी वाई बाई डी एक्स प्लस ठीक है ना पी एक्स वाई इक्वल टू टू एक्स, ये इसकी जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स पी एक्स वाई टू एक्स। क्या होगा प्रथम कोटि, प्रथम कोटि की है इसकी देखो मैक्सिमम वो क्या बोलते हैं उत्तम जो है डेरिवेटिव वो प्रथम कोटि का ही है ठीक है, प्रथम उसका ऑर्डर रही है। और रैखिक अवकल समीकरण रैखिक में क्या होता है कि इसकी जो पावर है वो वन होनी चाहिए और वाई में छोटे को नहीं होनी चाहिए, डेरिवेटिव के साथ वाई में छोटे नहीं है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आइए निकालेंगे इंटीग्रल फैक्टर। क्या होता है इंटीग्रल फैक्टर की पावर में इंटीग्रेशन पी डी एक्स ठीक है ना, ये इसका आई एफ है, आई एफ क्या होता है इसी पावर में पी डी एक्स, इसका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन में क्या होगा वाई फिर मल्टीप्लाई में आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ मल्टीप्लाई में क्यू एक्स डी एक्स प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन होगा, ये आंसर होगा सिंपल सा। पहले आई एफ का इक्वल टू पी डी एक्स ठीक है ना, और एक ऊपरी दे रखी होगी यदि इक्वेशन में ये देखता हूँ क्या डी एक्स अपॉन में डी वाई और प्लस पी वाई एक्स इक्वल टू क्यू वाई ले रहा हूँ, इस फॉर्म में दे रहा हूँ क्या होगा उल्टा हो जाएगा आई एफ क्या देगा ई की पावर में पी डी वाई और रिजल्ट क्या देगा रिजल्ट रिजल्ट तो रहेगा देखो वाई डॉट वाई डॉट एक्स डॉट एक्स डॉट आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ मल्टीप्लाई क्यू वाई डी वाई प्लस यदि डी वाई अपॉन डी एक्स अगर ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई नहीं हो जाएगा। देखो दोबारा देखो ये है देखो प्रथम कोटि, प्रथम कोटि ना डेरिवेटिव में जो डेरिवेटिव प्रथम कोटि के लिए प्रथम ऑर्डर का ही है, देखिए देखिए मतलब डेरिवेटिव की पावर का नंबर से ज्यादा नहीं लिखी है और क्या नहीं लिखी है मल्टीप्लाई में वेरिएबल नहीं लिखी कोई भी एक्स वाई, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण ठीक है। इसका आई एफ निकालेंगे, आई एफ क्या होगा इंटीग्रल फैक्टर एक ही पावर में समाकलन पी डी एक्स, सॉल्यूशन क्या होगा वाई आई एफ इक्वल टू आई एफ मल्टीप्लाई टू एक्स डी एक्स प्लस सी आ गया, ऐसे ही वाई के लिए बना लेंगे डी एक्स अपॉन में डी वाई होगा आ गया ना समझ में। अब क्वेश्चन करेंगे देखो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, इसमें से क्वेश्चन आते हैं इसमें ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, तीन क्वेश्चन क्या होते हैं ना राजस्थान में आप आइए 2007 क्या लिखा हुआ एक्स स्क्वायर इसी टाइप एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है देखो सॉल्यूशन देखो ये क्वेश्चन से और आंसर देखो, देखो डी ए के समीकरण का मानक रूप उस फॉर्म में बनाएंगे, जिस फॉर्म में आपको सॉल्व करना है उस फॉर्म में बनाएंगे, क्या करेंगे ये एक्स स्क्वायर प्लस वन इसका पूरे में डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर y और इधर आ जाएगा फोर एक्स स्क्वायर अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्या किया इसका डिवाइड कर दिया हमने इक्वेशन, यहाँ क्या टू एक्स यहाँ किया तो टू एक्स अपॉन में यहाँ क्या वाई अपॉन दिया गया, ये देखो फॉर्म में चेक बन गया इस फॉर्म में बन गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स पी एक्स का फॉर्म वाई इक्वल टू क्यू एक्स ये क्यू एक्स का बन गया, ये हो गया कौन सा प्रथम कोटि का देखिए अवकल समीकरण।
बन गया आपके सामने। आगे देखो सॉल्व करने में पहले आगे देखो करने इंटीग्रेट करने इंटीग्रेशन e की पावर में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x 1 प्लस x स्क्वायर dx। देखो 1 प्लस x स्क्वायर को क्या मानेंगे t, तो यहां पे भी आ जाएगा 2x dx इक्वल टू आ जाएगा dt। क्या हो जाएगा देखो e की पावर में इंटीग्रेशन 1 अपॉन में t dt, तो ये आ जाएगा e की पावर में log t, log से इसे कैंसिल कर दो क्या आ गया t, यानी क्या आ गया t क्या मतलब 1 प्लस x स्क्वायर है। मेरे पास इंटीग्रल फैक्टर आ गया, इंटीग्रल फैक्टर मेरे पास क्या है 1 प्लस x स्क्वायर। हां ये सब इंटीग्रल फैक्टर आ गया, तो बोलते हैं ये चलिए सॉरी चलिए है ना, क्या जाएगा y उसके साथ में जाएगा if इक्वल टू इंटीग्रेशन if मल्टीप्लाई 2x dx प्लस c y आइए इसके लिए मेरे पास 1 प्लस x स्क्वायर, क्या ये 1 प्लस x स्क्वायर मैं आपको कर देंगे 1 प्लस x स्क्वायर इधर इंटीग्रेशन आइए इसके लिए 1 प्लस x स्क्वायर और 2x में जो है ये क्या लेंगे 4 अपॉन x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर ये प्लस c। आइए आप सामने पहले कर दी y की वैल्यू y आइए इसके लिए 1 प्लस x स्क्वायर आई थी आइए बढ़िया और 2x बाकी क्वेश्चन है ना कल करेंगे ठीक है ना।